मेरे दिल की जो रखे है तुमने कलम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमनम। आ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, आ सीखा मैंने जीना मेरे हमनम। सच्ची सी है ये तारीफ दिल से जो मैंने करी है, तू जो मिला तू सजी है, दुनिया मेरी हमदम। ओ आसमां मिला जमी को मेरे, आधे आधे पूरे है हम। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हम। आ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, आ सीखा मैंने जीना। क्योंकि जब तुम्हारा प्यार मिला तो सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, आ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब? बहुत याद किया मैंने तुम सबको, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वापस से लाइव चैट पर आकर सुपर संडे विद एमजी, मतलब सुपर संडे विद मोहित गौड़ होता है इसको थोड़ा शॉर्ट करके एमजी। कैसा लगा जी? कैसे हो तुम सब? मुझे तो ये बता दो, बहुत दिन हुए मैं बातें कर रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे, मोहित पिछले संडे को, लास्ट संडे को तू कहां था, क्या हो गया, हमसे बात क्यों नहीं करी? तो उसका जवाब ये है कि लास्ट संडे में बहुत ज्यादा थका हुआ था, शूट से जस्ट आया था एंड बहुत टायर्ड था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं, इसलिए मैं लाइव चैट नहीं कर पाया। पर इस संडे में तुम सबके साथ में हूं। और दूसरा सवाल ये हो सकता है कि तुमने ये मतलब ये इस टाइम पे रात के टाइम पर शेड्स क्यों लगा रखे हैं? तो ये शेड्स नॉर्मल शेड्स नहीं है, जिन लोगों को पता है वापस से सुन लेना, और जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि ये कोई नॉर्मल शेड्स नहीं है, ये है रॉकस्टार शेड्स। और रॉकस्टार शेड्स की खासियत ये होती है कि इनको आप दिन में भी पहन सकते हो, इनको रात में पहन सकते हो, इनको घर के अंदर भी पहन सकते हो और घर के बाहर भी पहन सकते हो। थालियां फट 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 फट, तालियां क्या करूं, एक हाथ से कैसे मारूं। तो तुम सब कैसे हो? मुझे तुम सबसे बातें करनी है। और कमल सिंह का कमेंट आ रहा है, योर हमारी अधूरी कहानी सॉन्ग वाज ऑसम एंड हार्ट टचिंग, थैंक यू सो मच कमल। पहले तो ये बताओ तुम कैसे हो? त्रिशा रेड्डी का अभी अभी कमेंट आया, मोहित तो त्रिशा शायद तुम वही त्रिशा हो जो शायद मुझसे हैदराबाद में मिली थी प्रिया के साथ में, एंड आई लव योर गिफ्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट लवली गिफ्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम आप वहां पर आए मेरे लिए। सबको बहुत बहुत थैंक यू, लास्ट टाइम जो भी हैदराबाद कॉन्सर्ट में मेरे साथ में थे सबको बहुत बहुत थैंक यू एंड बहुत बहुत अच्छी मैं अपनी तरफ से विशेष देना चाहता हूँ कि आपने इतना सपोर्ट किया। बहुत अमेजिंग कॉन्सर्ट था, बहुत अमेजिंग गिग था वो, सब साथ में गाए हमने वहां पे विंडिंग इवेंट में, हमने सबने साथ में गाया, साथ में परफॉर्म किया, खूब नाचे, खूब तोड़ नाचे और देर तक नाचे, बहुत मजा आया था उस इवेंट में। तो तुम सब कैसे हो? पहले तो मुझे ये बताओ कैसे हैं मेरे सारे के सारे दोस्त लोग, कैसे हैं ये बता दो मेरे को तो एक बार। तुम बढ़िया हो ना? जैसे भी हो, अच्छे बुरे बढ़िया सड़िया जैसे भी हो सब बता दो, कमेंट करो। आज तुम्हारा मोहित तुमसे सिर्फ बातें करने आया है, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने आया है, सिर्फ तुम्हारे साथ, दैट्स इट। बताओ 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 जी, बताओ जी, बताओ जी, आई एम वेटिंग। मोहित जैन कह रहे हैं वी आर फाइन, अच्छा लगा ये सुन के। हाय हिमांशु आहूजा, हाय हिमांशी जैन, हाय स्नेहा गुप्ता, स्नेहा गुप्ता कह रहे हैं कि वो सुपर हैं, तो सुपर बढ़िया। साहिल विलियम कह रहे हैं फाइन है, प्रशांत गुप्ता कह रहे हैं ऑसम है, दैट्स गुड। मायरा खान कह रही है मस्त है यार। प्रकेश सुन कह रहे हैं सो स्वीट वॉइस, थैंक यू सो मच प्रकेश। हाय कीर्ति सिंगल, हाय प्रज्योत पाटिल, आप कैसे हैं? मैं एकदम अच्छा हूं, और आप सब कैसे हैं? आप सबका कैसा जा रहा है दिन? रॉक स्टार शेड्स यो।
अच्छा रॉकस्टार शेड्स के बारे में और बताना चाहता हूँ, तो रॉकस्टार शेड्स, ये शेड रॉकस्टार नहीं है, हर शेड रॉकस्टार शेड है, हर शेड, हर गॉगल रॉकस्टार गॉगल है, अगर तुम उसे रॉकस्टार गॉगल बनाना चाहते हो तो जो तुम्हारी मर्जी हो वो करो, दिन को रात बनाओ, रात को दिन बनाओ, शाम बनाओ, जो इच्छा हो करो, ये तुम्हारी लाइफ है मेरी जान। तो दृष्टि राणा कह रही है, हाउ आर यू दृष्टि राणा, आई एम सुपर फाइन एंड बहुत अच्छा हूँ, तुम सबसे बात करें तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो धीरे धीरे कर अपने लोग इकट्ठे हो रहे हैं लाइव चैट पे, अपनी लाइव चैट पे, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। जुबी खान कह रही है, मोहित लुकिंग सो कूल, थैंक यू सो मच जुबी खान, थैंक यू, तुम सबके लिए बन ठन कर आ गया मैं, बताओ लास्ट संडे को। खैर कोई दिक्कत नहीं, जैसा मैं वैसे ही हूँ, बस तुम सबके सामने हूँ। और व्हाट्सएप मोहित राघव शर्मा कह रहे हैं, बस ब्रो आई एम हियर, तुम सबसे बातें कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और राघव शर्मा पूछ रहे हैं, हाउ वाज हैदराबाद, हैदराबाद वाज सुपर ऑसम, सुपर डुपर ऑसम। अरे हैदराबाद में क्या एक बहुत मस्त चीज मैंने करी, मैं तुमको, तुम सबसे शेयर करता हूँ हैदराबाद इवेंट में। तो जनरली क्या होता है, जब भी मैं किसी जगह पर जाता हूँ जहां भी मतलब गिग करने जाता हूँ, जैसे मान लो गुजरात जा रहा हूँ, तो वैसे तो मुझे गुजराती आती नहीं है, तो लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि वहां का कोई गाना, वहां की लैंग्वेज का कोई गाना, गुजराती लैंग्वेज का कोई गाना याद कर, जैसे सनेड़ो 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 लाल सनेड़ो। और कभी कोलकाता जाता हूँ तो कोलकाता की लैंग्वेज, जो बंगाली लैंग्वेज है, बहुत स्वीट लैंग्वेज है, उसको लर्न करने की कोशिश करता हूँ, उसमें कोई गाना गाने की कोशिश करता हूँ। तो इस बार जब मैं हैदराबाद गया तो वहाँ पे एक तेलुगु सॉन्ग्स बहुत चलते हैं, तेलुगु इज द मोस्ट, मतलब सबसे मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है हैदराबाद की। तो मैंने कुछ तेलुगु में छोटा मोटा उनके लिए कुछ बनाया, तो तुम सबको अपना सॉन्ग पता है कपकेक, ठीक है ना, कपकेक तुम सबको पसंद है। हैदराबाद में व्हाट आई डिड वाज, मैंने एक तेलुगु वर्जन ऑफ कपकेक बना दिया उन सबके लिए। तो मैं तुम सबको सुनाता हूँ, अब तेलुगु तुमको समझ में नहीं आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ उसका मीनिंग क्या है। बहुत सिंपल सी लाइन है, मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड वहां बना कौशिक, तो कौशिक अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच कौशिक, थैंक यू सो मच योगेश ब्रो फॉर हेल्पिंग मी, वहां पर उन्होंने हेल्प करी मेरे को तेलुगु लैंग्वेज सीखने में, तेलुगु लैंग्वेज बोल पाने में। तो मैंने क्या किया, कपकेक सॉन्ग सबको पसंद है, आप सबको पसंद है, वहां पर भी सबको पसंद था, तो तेलुगु में यू आर माई कपकेक, तू मेरा कपकेक है बोलते हैं इस तरह से, नुवुना कपकेक। अब मेरे को ये नुवुना कपकेक करके कुछ करना था, मतलब मेरे को कपकेक सॉन्ग में अपना जो तू मेरा कपकेक है सॉन्ग में इंक्लूड करना था, तो मैंने कैसे किया मैं तुम्हें बताता हूँ, रुको। तो तेलुगु में नुवुना कपकेक मतलब तू मेरा कपकेक है, यू आर माई कपकेक। तो व्हाट आई डिड वाज आई चेंज द सॉन्ग लाइक दिस, नुवुना कपकेक, 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 नुवुना कपकेक। रात को जो तू ख्वाब ले मैं ख्वाब तू, मखमली सी रेशमी सी आवाज तू, रात को जो तू ख्वाब ले मैं ख्वाब तू, मखमली सी रेशमी सी आवाज तू, जिसको सुन के तेरी नींद को आराम हो, जैसे मैं के तेरे पास में गुलाब हो, कहती जिंदगी में आया कैसा क्रेक है, कह ले कुछ भी तू मेरा कप केक है, नुवुना कपकेक, 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 नुवुना। तो नुवुना कपकेक मतलब तेलुगु में यू आर माय कपकेक। सो थैंक यू सो मच हैदराबाद फॉर टीचिंग मी तेलुगु, थैंक यू सो मच कौशिक ब्रो, थैंक यू सो मच योगेश, थैंक यू सो मच विंगडिंग इवेंट जिनकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। तो बड़ा मजा आया यार हैदराबाद को, बड़ा याद कर रहा हूँ, बड़े प्यारे लोग हैं वहाँ की, बाफना फैमिली तो मेरी फेवरेट है। तो मैं वेट कर रहा हूँ कब मैं तुम्हारी सिटीज में आऊँ परफॉर्म करने। और हाँ, जितने भी मेरे दोस्त लोग दिल्ली से हैं, तो दिल्ली में मैं आ रहा हूँ अपना शो करने 26 जून को रोटरी क्लब में, तो उसकी डिटेल्स मैं तुम सबको जल्दी ही दूंगा, पर दिल्ली वाले जो भी दोस्त है वो रेडी रहना, तुम्हारा मोहित आ रहा है तुम सबके लिए परफॉर्म करने के लिए, तो ठीक है रेडी रहना। और बताओ जी कैसे हो, कॉल माई नेम शीतल, शीतल बसनेट कह रहे हैं, कॉल माई नेम शीतल, हाय शीतल बसनेट,
हाय पंकज अग्रवाल, हेलो माया गुप्ता, हाय निश्चय चौधरी, हाय मुकुल वर्मा। अरे हाँ, मुकुल पूछ रहे हैं रॉकस्टार व्हेन आर यू कमिंग बैक जयपुर। तो मुकुल ब्रो, अभी जो मेरा प्लान है, देखो हाँ, तो जयपुर वाले जो भी लोग हैं उनको भी बता देता हूँ कि ये बहुत टाइम हो गया इश्क अनप्लग की, क्योंकि शूट चल रही थी तो मैं मतलब आ नहीं पाया था, मतलब जयपुर बहुत टाइम हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हो गए कि मैं जयपुर गया हूँ, अपने मॉम डैड से मिला हूँ, मेरी फैमिली से मिला हूँ। हाँ, मेरा जो छोटा भाई है रोहन, वो जरूर यहाँ पर आया था मुझसे मिलने मुंबई, वो सेट पर भी आया था, इश्क अनप्लग की शूट भी देखी थी उसने। तो अभी मेरा जयपुर जाने का कुछ प्लान ऐसा है। आप देखो क्या है, बात ही तो है, तुम अपनी बातें शेयर करते हो, मैं तुमसे मेरी बातें शेयर करता हूँ। तो आई थिंक 26 का जो मेरा इवेंट है दिल्ली वाला, तो वहाँ पे है ना, दिल्ली में इवेंट करने के बाद में आई थिंक कि मैं है ना बस पकड़ के मैं वहाँ दिल्ली से जयपुर जाऊँगा। और बस इसलिए यार, क्योंकि बीच रस्ते में ना दिल्ली से लेकर जयपुर में दिल्ली हाईवे पे मेरा कॉलेज पड़ता है, एमिटी यूनिवर्सिटी, जिसमें मैं पढ़ा हूँ हमेशा से। तो एमिटी मेरी इच्छा है, ऐसी फील है, अगर फील आई तो मैं जाऊँगा। ऐसी मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ एमिटी जाकर लोगों को सरप्राइज दूंगा, मेरे जो भी दोस्त है, जो भी मेरे जूनियर्स रहे होंगे वहाँ पे, जो मेरे टीचर्स हैं, पाठक सर जो मेरे सबसे फेवरेट टीचर हैं, जिन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया, तो पाठक सर से, हमारे वीसी सर से, सबसे मिलकर आऊंगा। अगर फील आई तो जरूर जाऊंगा, अगर मौका मिला तो। तो यही प्लान है मेरा जयपुर जाने का, 26 जून को इवेंट खत्म करके 27 या 28 को आई थिंक आई विल बी गोइंग बैक टू जयपुर टू मीट माय फैमिली, टू मीट माय फ्रेंड्स, एंड बड़ा मजा आएगा, फिर वहां से लाइव चैट करूंगा मैं। तो राजनंदिनी कश्यप का अभी अभी मैसेज आया है, एमिटी यूनिवर्सिटी। तो राजनंदिनी कश्यप के बारे में क्या ही बताऊं मैं आपको, मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है लाइफ की, मेरे जो चार सबसे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड है, चार पांच मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड है, उनमें से एक है निखिल खंडेलवाल, एक है ये राजनंदिनी कश्यप, एक है आकाश बवेजा, एक है मेरे विनी भैया अर्षित गुप्ता, और है ना ओशीन अक्षी, ये भी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो हम सब बेस्टीज हैं मेरे, पांच छह बहुत ही क्लोज दिल के। तो उनमें से एक है राजनंदिनी कश्यप, जिसका अभी थोड़े दिन पहले बर्थडे गया था, और मैं भूल नहीं गया था, हाँ खैर भूल भी गया था, क्योंकि मेरा यार इवेंट था ना 17 जून को हैदराबाद में विंगडिंग, तो उसके चक्कर में मैं कंफ्यूज हो गया कि उसका बर्थडे विश नहीं कर पाया, तो वो नाराज है थोड़ी सी। तो राजनंदिनी कश्यप, तू ये वीडियो देख रही है, मैं तेरा कमेंट देख लिया है, तो तू टेंशन ना ले, मैं यार हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो राजनंदिनी तेरे लिए मैं गाना भी गा रहा हूँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। और मैं क्या, मेरी पूरी फैमिली जो यहाँ पर है अभी मेरे साथ लाइव चैट कर रही है, वो सब तेरे को विश करेंगे। तो प्लीज एक बार मेरी तरफ से, और हम सब हमारी पूरी कपकेक फैमिली, हमारी पूरी मोहित गौर फैमिली की तरफ से राजनंदिनी कश्यप को हैप्पी बर्थडे विश कर दो। तब मैं बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सॉन्ग भी गा देता हूँ तेरे लिए राजनंदिनी। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू नंदू, हैप्पी बर्थडे टू यू राजू, हैप्पी बर्थडे टू माय सिस्टर राजनंदिनी कश्यप, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये अच्छा, तो अब क्या टाइम हो रखा है, लेट्स सी, टाइम हो रखा है जाने का, क्योंकि टाइम हो चुका है तुम सब के रेस्ट करने का। कल मंडे है, कल तुम सबको वर्क पर जाना होगा, कॉलेज जाना होगा, स्कूल जाना होगा, बहुत सारा काम होगा, तो सबके लिए रेडी होना है, सबके लिए रेस्ट करना अच्छे से। तो टेक केयर, नेक्स्ट संडे फिर से मिलेंगे, आई लव यू ऑल फ्रॉम ऑल माय हार्ट, एंड नेक्स्ट संडे, हर संडे अपन इसी तरह से मिलते रहेंगे ऑन सुपर संडे विद MG, मतलब अपना सुपर संडे विद मोहित गौर से भी कूल हो गया, सुपर संडे विद MG। यो, चलो, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, आई लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, बाय तो कह दो, पहले बाय कहो, उसके तभी जाऊंगा मैं, सबका बाय मैसेज आना चाहिए मेरे को, गुड बाय सा, गुड नाइट विश कर दो, फिर मैं जाऊंगा आराम से। हाँ चलो, आ रहे हैं, बाय बाय, टेक केयर।